हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ये महिंद्रा जाइलो गाड़ी है, इसमें क्या है कि पिकअप का प्रॉब्लम है। हम एक्सेलेटर दबाते हैं फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, जल्दी एक्सेलेटर कम लग रहा है। इसमें हमने डीजल फिल्टर चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, इंजन क्लीन किया, फिर भी वही प्रॉब्लम कंटिन्यू है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसका मेन इश्यू क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो हमें पहले क्या करना है, इसका एक्सीलेटर पैडल है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये 3 बोल्ट की मदद से लगा हुआ होता है यहाँ पे इस सॉकेट के साथ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे रिमूव कर लेना है और एक दूसरी चीज़ को रिमूव करना है, वो क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका मैप सेंसर है दोस्तों। तो इस मैप सेंसर को और इस एक्सीलेटर पैडल को हमें निकाल लेना है पहले बाहर और बाद में इसे क्लीन करना है। मैप सेंसर को निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस पहले इसे हटा देना है इस पाइप को, बाद में फिल्टर के साथ इसे ये 2 बोल्ट से कसा जाता है। तो 2 बोल्ट निकालने के बाद ये एक्सीलेटर का ये जो मैप सेंसर है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इसका देखे मैप सेंसर को निकाल दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें काफ़ी डस्ट जमा हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसे पूरी तरह से क्लीन करके लेना है। इसे हम WD-40 स्प्रे से भी क्लीन कर सकते हैं और पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, जो आपके पास हो उनसे आप इसे क्लीन कर लीजिए। और मैं पैडल है इसका, एक्सीलेटर पैडल है, हमें क्या करना है, 2 पेचकस को खोल के इसे भी अंदर से पूरी तरह से क्लीन करना है। इसे भी पेट्रोल से ही क्लीन कर सकते हैं या WD-40 से क्लीन कर सकते हो। तो हमें इसे पहले क्लीन कर देना है, बाद में इसे लगा देना है। इस एक्सेलेटर असेंबली को पहले खोल देना है। इस तरह से दोस्तों हम इसे इजीली ओपन कर सकते हैं, इसमें 2 ही नट रहते हैं। बाद में क्या करना है आप देख सकते हैं, ये पोर्शन इसे पूरी तरह से क्लीन कर देना है, इसे और इसे डैमेज ना हो उसका ख्याल रखना है, और पूरी अच्छी तरह से इसे पेट्रोल या WD-40 स्प्रे से क्लीन कर देना है। इस तरह से इसको पेट्रोल डाल दीजिए और इस तरह का कोई भी ब्रश हो स्मूथ उसका यूज़ करके आप इसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करते समय कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है। दूसरा भाई ना आयो दोस्तों, इस पे लगा पूरा का पूरा कार्बन है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाना चाहिए। फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा देना है ताकि ये जो है पट्टी यही रजिस्टर का काम करती है। हम कितने एक्सीलेटर देते हैं और ये इसके साथ टच होता है, इसके साथ टच होने के बाद ही वो आगे सिग्नल भेजता है। तो ये पोर्शन हमें पूरी तरह से ठीक करके रहना है, बाद में हमें क्या करना है, मैप सेंसर आप देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर देखो ये जो है पुराना जो फिल्टर था उसका ख़राब हो जाने की वजह से ये सब यहाँ पर आ चुका है, इसे हमें पूरी तरह से क्लीन कर देना है। इसको भी हम पेट्रोल की मदद से क्लीन कर देंगे। ये मैप सेंसर है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर रहता है इस तरह डीजल गाड़ियों में। एक्सीलेटर में कितना एयर का प्रेशर जा रहा है वो सारा कैलकुलेशन यहाँ से ही होता है। एक्सीलेटर के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर रहता है, इसे भी हमें पूरी तरह से क्लीन कर देना है, कोई भी डस्ट पार्टिकल इसमें रहना नहीं चाहिए। अगर ये खराब हो जाएगा एक्सीलेटर और पिकअप का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा दोस्तों, कभी कभी तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाती, इस तरह का भी प्रॉब्लम आ जाता है इसकी वजह से। इसको पूरी तरह से क्लीन करके रहना है हमें।
दोस्तों इसे पेट्रोल से क्लीन करने के बाद क्या करें, हमें इसमें एयर मार लगा देनी है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी तरह के पार्टिकल्स रहने नहीं जाए, कार्बन पार्टिकल्स या कोई भी कचरा इसमें रहना नहीं चाहिए, रखना है ताकि क्या गाड़ी को प्रॉपरली सिग्नल मिले, एक्सीलेटर दे रहे कितने, इसी की मदद से मिलता है, तो ये पूरी तरह प्रॉपर। बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसे वापस से अपनी जगह पे बिठा देना है। इजी है एकदम, इसे इस तरह से प्रेस करने पर ये लॉक हो जाएगा इजीली। फिर इसके जो दो स्टार वाले नट है उसे कस देना है हमें। दोस्तों यह काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसे आधे घंटे तक धूप में छोड़ देना है, पूरी तरह से सूखने देना है इसे। तो अब हम इसे धूप में रख देते हैं।